हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी जैसे आपको बताऊंगा टेन एम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आती है तो आज हमारा जो टेन एम पे पे क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं जोग्रफी पर ओके सो so, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं आपको बताऊँ ईजी और डिफिकल्ट दोनों का मिक्सअप है एंड तक जरूर देखिएगा लेक्चर को आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं तो एक बार आप एंड तक जरूर देख लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो ही वीडियो को लाइक करिएगा ओके और ये लेक्चर नंबर सेवेंटी है इसका मतलब मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट से सोचिए सिक्सटी नाइन मतलब इतने सारे लेक्चर्स बना चुका हूँ सो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की डाल दी है आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देखते रहिए क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ ये ईयर एग्जाम मंथ है और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं के कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जैसे आप यूपीएससी के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं अब यूपीएससी का मेन्स भी चल रहा है प्लस अगर आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं रिमेंबर सो आपको हमारे एप्लीकेशन में नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे तो एक बार ऐप को डाउनलोड कर लें आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ओके okay? और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जोग्राफी के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है कुछ इजी भी है कुछ डिफिकल

किसका होता है ठीक है ऑप्शन है कोल आयरन ओर लाइमस्टोन और पोटाश ओके ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है मेरा ऐसा मानना है कुछ लोग सोच रहे होंगे स्टील मेकिंग में आयरन ओर ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है तो आयरन ओर का सबसे ज्यादा यूज होगा तो करेक्ट आंसर बी हो सकता है

क्वेश्चन था आई होप आपको सीखने को जरूर मिला होगा ओके okay?

देखे हुए हैं तो उसके लिए बहुत आसान होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन याद सरकार ने अभी ओपन एकज पॉलिसी भी, भी बनाई हुई है मैंने लिखा वट इज ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू वट दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन तो उसमें यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग कैसे होगी रेम सरकार ने इस पॉलिसी में बहुत कुछ बात की जितने भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन की बात की है पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं आपका इस टाइम हो तो बट याद रखिएगा क्वेश्चन में कहीं भी समझ में नहीं आता कि किस से रिलेटेड होगी तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं टाइडल है, एनर्जी है, uh, आप सबने सुनी होगी okay, मैंने ये किस पर बेस्ड है अपवेलिंग okay, मैं, okay, uh, uh, okay, मैंने फिजिकल जॉग्रफी में पढ़ा रखा है ओके okay, या हाइट ऑफ द वेव्स को देख के ओके okay, तो अब आपको करेक्ट आंसर बताना है बहुत इजी क्वेश्चन है बट जल्दबाजी में ऑप्शंस जो है थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं कुछ लोग जल्दी से वे लगा रहे होंगे बट ऐसा कुछ नहीं है ओके अपवेलिंग तो बहुत लोगों ने कट कर दिया होगा ए और बी में कंफ्यूज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स ओके कि टेम्परेचर है कि हाइट ऑफ द टाइट है बट uh, जो बहुत श्योर है यस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ टाइट याद रखिए हाई टाइट लो टाइट जो होती है रिमेंबर तो ये आपको याद रखना है कि हाइट ऑफ द टाइट के अकॉर्डिंग हम क्या प्रोड्यूस करते हैं दैट इज टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ओके okay? इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस लेवल पर हम बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें रिमेंबर बट ये अच्छा पोटेंशियल है हम इससे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ओके okay? तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इजी क्वेश्चन है मेरा मानना है कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स दिए गए हैं और यहाँ उनकी लोकेशन दी गई है पूछा गया कौन सा करेक्टली मैचड है कुंदाकुलम न्यूक्लियर प्लांट बहुत फेमस है जैतापुर नरोड़ा ओके ये तीनों ही बहुत फेमस न्यूक्लियर प्लांट्स हैं बगल में स्टेट्स लिखे हुए हैं तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश मैच द फॉलोइंग करना है आई होप आप बहुत जल्दी मैच कर सकते हैं अगर किसी ने थोड़ा तो बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा तो ओके यस कुंदाकुलम तमिलनाडु में आपने पढ़ा होगा बहुत फेमस है रशिया की हेल्प से हमने बनाया हुआ है तो ओके नेक्स्ट जैतापुर की अगर बात करूँ ठीक है जिसको पता होगा ये महाराष्ट्र में है याद रखिए गुजरात में नहीं है तो ये पता होना बहुत जरूरी था टू क्योंकि रॉन्ग दिया हुआ है ओके और नारोरा यस उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस भी है करेक्ट आंसर है तो वन एंड थ्री दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रिमेंबर सो तो ऐसे क्वेश्चन ये इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना इजी है याद है स्टैटिक के साथ साथ कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देते हैं बट मेरा मानना था क्वेश्चन बहुत इजी था रिमेंबर मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं कौन से कहाँ पर लोकेटेड है आपको पी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कुछ इंडस्ट्रियल टाउन है और बगल में कंट्री लिखी हुई है आपको मैच करना है जैसे है डेट्राइड मैनचेस्टर बाकू और बगल में कंट्रीज है यूएसए यूके कतर आपको मैच करना है कौन सा सही मैच है डेट्रॉइट आपको पता होगा ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत फेमस है मैनचेस्टर uh, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए बहुत फेमस है ओके okay. uh, बाकू भी बहुत फेमस है कमर्शियल uh, कैपिटल है किसी प्लेस की ओके okay. आपको करेक्ट मैच करना है डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है आपको पता होगा तो करेक्ट है क्या यूएसए के साथ ये इट इज करेक्ट मैनचेस्टर टेक्सटाइल के लिए फेमस है क्या करेक्ट मैच है येस yes, यूके करेक्ट मैच है बाकू आप थोड़ा पढ़िए बाकू मैंने बताया हुआ अजरबैजान रिमेंबर उसकी कैपिटल है नॉट द कैपिटल ऑफ कतर कतर की सिटी नहीं है इट्स अ कमर्शियल याद है कैपिटल ऑफ वॉट दैट इज अजरबैजान रिमेंबर तो ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग था थर्ड रॉन्ग है वन टू सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए वन एंड टू रिमेंबर यहाँ पर डिटेल्स मैंने देखिए पूरा मेंशन कर रखा है आप पढ़ सकते हैं एग्जाम में आपको हेल्प करेगी अजरबैजान की लोकेशन आप एक बार ज़रूर देखें कहाँ पर है ठीक है इसके बगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है चलिए मैं हिंट दे रहा हूँ आपको उसको सी लिखा जाता है ऊपर क्या नाम है, आप है एक बहुत क्या पूरी सी कमेंट बॉक्स में अजरबैजान या तो आप मैपिंग में जरूर चेक नेक्स्ट क्वेश्चन okay? uh, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स uh, लिखे हुए हैं और कुछ बगल में प्लेसेस लिखी हुई हैं आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच है चिकन एम्ब्रॉयडरी ओके सेकेंड है ब्रासवेयर थर्ड है दैट uh, इज थोड़ा ये उल्टा हो गया यहाँ पर याद रखिए दैट इज यहां पर होना चाहिए ग्लास बैंगल्स ओके okay? तो यहां लिख देते हैं ग्लास बैंगल्स को ज्यादा बेटर होगा थोड़ा रिवर्स कर दिए ग्लास बैंगल्स इधर है ठीक है चिकन एम्ब्रॉयड्री में मुरादाबाद ब्रासवियर में जलंधर और ग्लास बैंगल्स में दैट इज़ फिरोजाबाद ओके इसको उधर लिख दिएगा ओके अब इससे करेक्टली मैच कौन सा है ओके यूपी से अगर आप होंगे तो आपने सुना होगा वैसे तो ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन है चिकन एम्ब्रॉयडरी वेरी फेमस है लखनऊ की अगर आप लोग लखनऊ के नवाब हैं लखनऊ में रहते हैं लखनऊ के बारे में आइडिया है तो यार देखिए चिकन एम्ब्रॉयडरी लखनऊ का है नॉट मुरादाबाद तो वन जो है वो तो रॉन्ग है देखिए वन रॉन्ग है तो टू और थ्री में से कोई एक ही सही है ओके ग्लास बैंगल्स येस फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स ये करेक्ट है तो ऑफ कोर्स जब ये करेक्ट है तो एक ही सही हो सकता था तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और ब्रासवेयर नॉट एट जलंदर आपको नहीं पता था बता था, तो बता देता हूँ ब्रासवेयर इज एट फ्रॉम मुरादाबाद रिमेंबर ठीक है तो टू का जो था दैट इज मुरादाबाद था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है थ्री ओनली देखिए कट करके आंसर आ जाते हैं ये थोड़ा तो डिफिकल्ट हो सकता है कुछ तो लोग इसको डिफिकल्ट माने मैं लिख भी रखा है देखिए लखनऊ की है बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है मुरादाबाद बैंगल्स और ब्रासवेयर दोनों के लिए फेमस है रिमेंबर है ना तो ये आपको याद रखना है तो यहां पर जो दिया हुआ था दैट इज ब्रासवेयर वो जलंधर

जी है और स्टेट से मैच किया है ओके okay, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोरबा एल्युमिनियम प्लांट है राहुल केला स्टील प्लांट है दुर्गापुर स्टील प्लांट है ओके आई थिंक दैट इज एन ईजी क्वेश्चन इसको स्टेट के साथ मैच करना है महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है कोरबा जो लोग ये लेक्चर छत्तीसगढ़ से देख रहे होंगे उन्हें पढ़ा होगा कोरबा का एल्युमिनियम प्लांट ये कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में तो महाराष्ट्र तो हो नहीं सकता ठीक है तो वन कट कर देते हैं ठीक है है ना जो लोग वेस्ट बंगाल से देख रहे होंगे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है तो छत्तीसगढ़ हो नहीं सकता और जो लोग ओडिशा से इस लेक्चर को देख रहे हैं तो राहुल किला शीलपन उड़ीसा में है तीनों ही रॉन्गली मैच किए हुए थे करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन था बट ऑप्शन डी था तो जल्दबाजी में गलत मत करा ये इजी क्वेश्चन माना जाएगा ओके आपको याद करने पड़ेंगे कि ये कहां पर लोकेटेड है ओके इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो कि इजी और इजी से थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट और इजी के बीच का पैरामीटर हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं ओके जल्दबाजी नहीं करनी है इसका मैं आप पढ़ भी लीजिएगा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ओके अब अभी हम और भी क्वेश्चन हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले बट आप देख रहे हो किस तरह क्वेश्चन करा इसी तरह अगर आप कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टार्टिंग से जैसे जोग्राफी जो हो स्टार्टिंग से फिजिकल इंडियन वर्ल्ड जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए ऐप को डाउनलोड करें वहां पर आपको हमारे कोर्सेज को के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ओके तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ओके चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट अब कुछ थोड़ा सा ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने पूछा है कौन सा फॉलोइंग प्रोजेक्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन को ईज आउट कर देगा फ्रॉम मुंबई टू तो सेंट पीटर्सबर्ग पीटर्सबर्ग रशिया में है रिमेंबर तो मुंबई और पीटर्सबर्ग के बीच में याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन को ईजी कर देगा उसका नाम क्या है इंटरनेशनल ट्रायलेटल हाईवे प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कालादान मल्टीपोडल प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ओके प्रोजेक्ट आपको पहले एक कमेंट बॉक्स में बता दिएगा कालादान मल्टी जो प्रोजेक्ट है रिमेंबर ठीक है ये इंडिया और किस कंट्री के साथ है रिमेंबर ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडिया और किस कंट्री का कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे ओके okay? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दैट इज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रिमेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है अराउंड 7,700 किलोमीटर का वोटाइज नहीं सेवन थाउजेंड किलोमीटर का कॉरिडोर है याद रखिएगा यहाँ पर मल्टी मॉडल मतलब शिप भी चलेगी ऐसा मोड बनाया जा रहा है मतलब ऐसा रूट बनाया जा रहा है जहाँ शिप रेल रोड रूट सारे रूट होंगे यहाँ फ्लाइट याद रखिए माल जो होगा वो ईजली इंडिया ईरान अफगानिस्तान अर्मेनिया जर्बेजान रशिया सेंट्रल एशिया यूरोप को एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा आप देख सकते हैं पूरा मैप यहाँ मैंने बना रखा है ओके तो इंपॉर्टेंट है आप इसको ज़रूर देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चलिए

वन ओनली टू ओनली बोथ आ करेक्ट क्या दोनों ही स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है रिमेंबर तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं बार बार बताता हूँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एन टी के बारे में पूछा जाए तो क्या प्राइम मिनिस्टर्स को हेड चेयर करते हैं बिल्कुल नहीं इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं करते हैं याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट जो है वो इसको चेयर करते हैं और सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ये एक स्टैटूचरी बॉडी है मतलब याद रखिए दो में जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इस बॉडी को एड किया गया था सिक्स में अ स्ट्रटेचरी बॉडी रिमेंबर सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज नाइदर वन नॉर टू रिमेंबर इसका हम जरूर पढ़िया मैंने लिख भी रखा है में उसको अमेंड करके इसको स्टेटेचरी बॉडी का स्टेटस दिया गया है ओके नाम से पता चला है, टाइगर कंजर्वेशन की अथॉरिटी बट ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ओके और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मैंने इमेज ऐसी बना रखी है शायद आप पहचान ना पाए इसलिए इमेज बना रखी है वन आप पहचान जाते हैं ओके ब्लू बुक अभी रिसेंटली न्यूज में है मैंने पूछा है ये किसकी मैनुअल है किस आर्म फोर्सेज या ग्रुप का मैनुअल है ब्लू बुक ओके सीआरपीएफ का एसपीजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एनएसजी का या नेशनल कोस्टल गार्ड का ओके तो किस का है ब्लू बुक अभी रिसेंटली न्यूज में भी है ओके करेक्ट आंसर बताना है हिंट दे देता हूं मैं आपको चलिए प्रधानमंत्री की अभी गाड़ी रोक ली गई थी अभी आपको पता उनका जो काफिला था वो रोक लिया गया था पंजाब में जो बहुत ही हॉट न्यूज बन गई है ओके और उसी के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली बातें भी चल रही हैं कमेटी वगैरह बनाने की बात चल रही है तो ब्लू बुक जो है याद रखिएगा ये मैनुअल है एस का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रिमेंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आप सोचेंगे सब ब्लू बुक में होता क्या है देखिए ब्लू बुक में होता क्या है ब्लू बुक इज अ नेम ऑफ मैनुअल ऑफ एसपी जी एक्सक्लूसिवली प्रोटेक्ट याद रखिएगा इंडिया प्राइम मिनिस्टर तो पूरे सब लिखा हुआ है किस तरह इंडियास प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करना है तो ब्लू बुक इज फॉर एसपीजी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी एसपीजी न्यूज़ में भी है ओके okay, तो इसीलिए क्वेश्चन में आंसर नंबर इसका बी था आई होप आप समझ रहे होंगे मैंने क्वेश्चन क्यों कवर किया क्योंकि अभी न्यूज़ में है okay, ओके तो यहां पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बट मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं रिमेंबर हमारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए बट एक बार एप्लीकेशन को विजिट कर ली अभी हम एन एनसीआरटी लेक्चर्स बना रहे हैं रिमेंबर जहां पे आपको अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है ये एनसीआरटी लेक्चर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं ओके okay? चाहे आप देखिए हम क्लास नाइनथ का एनसीआर हो चाहे क्लास एट की एनसीआरटी हो ठीक है पॉलिटी हो जोग्रफी हो पूरा कवर करेंगे एनसीआरटी कोर्सेस में ओके okay? तो उस पर अभी वर्क चल रहा है तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं आपको यहां पर बहुत डिटेल में पूरा एनसीआरटी आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा एनसीआरटी में दिक्कत क्या होती है मैं आपको बता दूं थोड़े से पैराग्राफ में पूरा स्टेटमेंट्स रहते हैं याद रखिएगा पॉइंट फ्रेम में नहीं रहता है और हमारे जो एनसीआरटी लेक्चर्स हम जो बना रहे हैं एनसीआरटी के कोर्स को लेके याद देखिए पॉइंट फ्रेम में पूरा डेवलप कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं क्या ग्रैप करना है सी से पूरी सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक की सारी एन कंप्लीट करेंगे याद रखिए जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे अब ऐसे ही नहीं करेंगे हम कवर कि बॉटनी वॉटनी पढ़ाने लगे बट जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है चाहे पॉलिटी हो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो सिविक्स जिसको आप कहते हैं सबको कवर करेंगे तो प्लीज़ एक बार ऐप को डाउनलोड करो आपको एन सी कोर्सेज भी हमने स्टार्ट कर दिया है और जो स्टार्टर है याद रखिए अभी एग्जाम दो साल बाद देने वाले उनके लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो ये मैं आपको बता रहा हूं बेसिक से आपको स्टार्ट करना है ओके तो यहां पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आई होप आपको कुछ, कुछ सीखने को मिला होगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स भी क्वेश्चंस थे ओके अगर अब आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है और अब आपको लगा कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ओके और फर्स्ट टाइम चैनल चैनल को सब्सक्राइब करके कर रखें इसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें कोई डाउट क्वेरी है हम ऑलवेज वेलकम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं रिमेंबर और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी कमेंट करने की कोशिश करें कोई अगर आप याद रखिएगा कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू